लोक जन शक्ति पार्टी वालों अमर शहीद श्रोमणी जरनैल बाबा जीवन सिंह जी का सम्मेलन बठिंडा विखे करवाया जा रहा है, जिथे कि राष्ट्रीय प्रधान लोक जन शक्ति पार्टी चिराग पासवान विशेष तौर पर बठिंडा पहुँच रहे हैं। तुहानू दस दिए इत्थे ही 2022 दीआं चोणां नूं लैके मंथन भी किया जाएगा। यह जानकारी दिंदिआं किरणजीत सिंह गैरी ने दस्सिआ कि जो कोई भी व्यक्ति लोक जन शक्ति पार्टी ते चिराग पासवान का नाम लैके आम जनता को खराब कर रहे उसनों बख्शा नहीं जाएगा तो उसके सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसनों लैके किरणजीत सिंह गैरी ने की कुछ किया, आओ तुहानू सुनवाउणे आ। मैं किरणजीत सिंह गैरी, प्रधान लोक जन शक्ति पार्टी पंजाब प्रदेश, लोक जन शक्ति पार्टी वालों श्रोमणी जरनैल अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी का सम्मेलन बठिंडा विखे किया जा रहा है, जिदे विच लोक जन शक्ति पार्टी के कौमी प्रधान चिराग पासवान जी मैंबर पार्लीमेंट उन्होंने हिस्सा लैण वास्ते आना है। इस गल लैके पंजाब विधानसभा दीआं चोणां लैके चिराग पासवान जी ने विशेष चर्चा हुई है, जिस चर्चा के विशेष करके डॉक्टर आजम खान जी जो मनोरिटी सैल के प्रेजिडेंट ने, पानम जी जो यूथ विंग के प्रेजिडेंट ने, SC ST प्रकोष्ठ के जो प्रधान ने ज्ञानचंद गौतम जी, उन्होंने विशेष तौर पर चिराग पासवान जी ने जिम्मेवारी लगाई है और ड्यूटी लगाई है ता जो पंजाब दे विच लोक जन शक्ति पार्टी को मजबूत किया जा सके। चिराग पासवान जी ने पूर्ण तौर पर स्पष्ट किया है कि लोक जन शक्ति पार्टी का नाम कोई भी व्यक्ति जिन्हों पार्टी को कढ़ दिता है वह महसूस करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब दे विच कुछ लोग जो पार्टी के नाम को बेच के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, पार्टी को खराब करना चाहते हैं, उन्होंने खिलाफ भी चिराग पासवान जी ने तिखा भी सख्त स्टैंड लैण के लिए स्टेट यूनिट में जोड़ा किया है और नाल ही नैशनल लीडरशिप ने भी यह स्पष्ट किया है कि लोक जन शक्ति पार्टी के कौमी प्रधान चिराग पासवान तो बिना कोई भी प्रदेश अध्यक्ष किसी को नहीं नियुक्त कर सकता। पर लोक जन शक्ति पार्टी पंजाब के लोग, पूरे देश भर के लोग, सारिया स्टेटा के प्रेजिडेंट, सेंटर कमेटी पूर्ण तौर पर चिराग पासवान जी के नाल है। अज मीटिंग दे सारी ये चर्चा हुई है और पंजाब दे विच जो बठिंडा विखे बाबा जीवन सिंह जी की याद सम्मेलन किया जा रहा है वह सम्मेलन अपने आप के इतिहासक सम्मेलन होगा। चिराग पासवान जी ने भरोसा दिता है और पूरे तौर पर भरोसा देंदे हुए ड्यूटी लाई है। आसम डॉक्टर आसम खान जी, पानम जी, ज्ञानचंद गौतम जी उन्होंने जिम्मेवारी लाई है कि पंजाब दे विच जो सम्मेलन होगा वह इतिहासक होगा। आउंदियां विधानसभा चोणां दे विच लोक जन शक्ति पार्टी पंजाब इकाई मजबूती नाल उतरेगी और पंजाब दे विच आने वाली बनने वाली सरकार जिदे विच लोक जन शक्ति पार्टी की बसेर हिस्सेदारी होगी। चिराग पासवान जी ने लोक जन शक्ति पार्टी के पंजाब वर्करां नूं और सानूं इह भरोसा दित्ता कि हर तरह की मदद लोक जन शक्ति पार्टी के कौमी प्रधान पंजाब विधानसभा के विच वर्करां दी अपने उम्मीदवारां दी करनगे।